हेलो ऑल, आज हम मिल रहे हैं एक नए वीडियो पे। हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिन्होंने क्यूनेट पे काफी टाइम बिताया है। उनका नाम डिस्क्लोज हम नहीं कर सकते हैं, पर हम उन्हें मिस्टर एक्स बुलाएंगे। आज वो हमें बहुत सारे डिटेल्स रिवील करने वाले हैं इस इंटरव्यू के थ्रू, और सिर्फ एक पार्ट आज का नहीं आने वाला है, काफी ये एक सीरीज होने वाली है। इसमें पूरा क्यूनेट के अंदर का सिस्टम, अंदर होने वाली गड़बड़, और क्यों लोग क्यूनेट को छोड़ के जाते हैं, क्यों 10 साल क्यूनेट नहीं हो पाता है लोगों से, क्योंकि वो पूरा सिस्टम कितना अंदर से खराब है, ये सब डिटेल्स आज मिस्टर एक्स हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत थैंक यू, आपने टाइम दिया यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत थैंक्स हाँ वंस अगेन। स्वप्निल हाय। जी, स्वप्निल जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। पहली बात तो, और दूसरी बात है, मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग, हमारा पहली बार यूट्यूब में इस तरीके का सेशन होने वाला है जहाँ पे पहली बार कोई अपलाइन जो कि मतलब खुद क्यूनेट में कई सालों तक काम कर चुका है, एंड इफ यू से कि आई हैव बीन कंसिडरेबली सक्सेसफुल, आई हैव बीन इन क्यूनेट, तो उसके बाद सक्सेसफुल होने के बाद भी मैंने उसको छोड़ा, और क्या चीजें रही। और मैं आज के जमाने पे नहीं, मतलब मैं कई सालों पहले मैं क्यूनेट कर चुका हूँ। आज से करीब 9-10 साल पहले मैं क्यूनेट में इन्वॉल्व था, तो तब मैंने शुरू किया था, तब मेरा जर्नी शुरू हुआ था। और उसके बाद अभी जो हम लोग शेयर करने वाले हैं, सीरीज के माध्यम से हम लोगों को बताएंगे वन बाई वन किस तरीके से कड़ियां हुई, किस तरीके से चीजें हुई तब के टाइम पे, और किस तरीके से अल्टीमेटली मुझे ये चीज छोड़ना पड़ा, बिकॉज उनका जो आइडियोलॉजी था वो आइडियोलॉजी ही क्लैश हो गया। मतलब मी एज ए पर्सन या फिर कोई भी हमारे जो जनरल थोड़ा सा जो पैसे के लिए क्रीपी नहीं होते या फिर ग्रीडी नहीं होते, उनके साथ मतलब मेंटलिटी मैच नहीं करेगा। कोई भी जो इस तरीके का नॉर्मल मेंटलिटी का आदमी रहता है, तो उस चीज को हम लोग रिवील करेंगे सीरीज के थ्रू। तो चलिए स्वप्निल जी, शुरू करेंगे, बहुत ही क्रिस्प एंड फाइन तरीके से हम लोग इस चीज को शेयर करेंगे। बताइए। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये कि आपका इन्वॉल्वमेंट क्यूनेट कंपनी के साथ कैसे हुआ, मतलब आप कब उसके बारे में आपने जाना, और ऐसे क्या चीज थी कि आप क्यूनेट कंपनी, मतलब आप रेडी हुए ये चीज करने के लिए? जी स्वप्निल जी, सबसे पहली जो बात है, तो क्यूनेट में क्या होता है, इनका साइन अप का सिस्टम है। तो साइन अप का सिस्टम जब होता है तो इनपे हम लोग प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, और उसके बाद इसका हम लोग को ये मिलता है, आईआरशिप मिलता है, और एंड देन वी बिकम आई मीन लायबल टू मेक अदर पीपल आल्सो ज्वाइन एज ए पार्टनर। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है, और इसमें क्या होता है कि जो हम लोग पैसे पे करते हैं वो प्रोडक्ट के लिए पे करते हैं, और ना कि वो आईआरशिप के लिए। जो कि आईआरशिप है, जो आप नेटवर्किंग करते हैं या इसको बिजनेस के हिसाब से करते हैं इस चीज को, तो वो आपका कंप्लीटली फ्री रहता है। इट्स जस्ट एन अपॉर्चुनिटी, आप अगर करना चाहते कर सकते, नहीं करना चाहते नहीं कर सकते। तो ज्वाइनिंग के समय पे ये लोग जो पहले जो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग आप यू कैन से कि कोई भी कस्टमर, कोई भी वायबल कस्टमर हो, कि ये भी हमारा कस्टमर हो सकता है, या ये भी वायबल ऐसा कोई हो सकता है जो हम लोग के साथ ज्वाइन करें यहाँ पे, तो उस चीज को प्रोस्पेक्ट कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, पहले हमारा नेम लिस्ट बनाते हैं, उसमें बांटते अलग अलग, हॉट जोन, कोल्ड जोन, वार्म जोन, हॉट जोन, वार्म जोन, कोल्ड जोन, आई एम सॉरी। तो हॉट जोन हो गया उस तरीके के प्रोस्पेक्ट जो आपके बहुत ही क्लोज होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या था, किसी के हॉट जोन में था, मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त कॉलेज का, और आई एम श्योर कि हमारे दर्शक भी इसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं, किसी ना किसी का जो अच्छा दोस्त रहता है वही उसको यहाँ पे लाता है, अगर वो हॉट जोन में, मतलब कि हॉट जोन में होकर के साइन अप होता है। तो फिर उसने मुझे अचानक से एक दिन फोन किया, फोन करके मुझे मालूम नहीं था क्यूनेट के बारे में साइन अप होने से पहले, ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी जिंदगी में नाम भी नहीं सुना था ये कंपनी का। हाँ और तब नए नए जॉब में था ऑब्वियसली, तब एक उठता हुआ एज रहता है 20s में, जो बहुत कुछ करने को रहता है जॉब में, दो आई वॉज सेटिस्फाइड स्टिल, ठीक है, वो आरजी रहता है कि कुछ, वो उम्र ही रहता है कुछ ना कुछ करने का। करने का तो
तो उसने क्या किया मुझे बताया, तो मैं देखा कि वो बाहर गया है, कुछ ना कुछ घूम रहा है, तो आई ऑल्सो टू गो फॉर बाहर मतलब टूर्स, आउट बट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया वो दुबई गया, अच्छा। दुबई गया। उसके बाद फिर मलेशिया नहीं गया था, दुबई गया था सिर्फ। तो वो उसका पहला ही ट्रिप था, बट मैं उसको जानता था कि भाई वो करीब, मतलब कि जहाँ पे काम कर रहा है, जिस कंपनी में काम कर रहा है, इट वाज रेप्यूटेड कंपनी ऑफ कोर्स, बट वो कंपनी उसको बाहर नहीं भेजेगा, बिकॉज इट वाज नॉट एन एमएनसी, इट वाज एन इंडियन कंपनी। तो बाहर गया, कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा। तो मैंने उससे बात किया, ऐसे भी नॉर्मली बातचीत करता था, तो ऐसे ही इसी तरीके से वो बात करने लगा, प्रोस्पेक्टिंग करने लगा, वो सब मुझे समझाने लगा कि भाई जॉब में कुछ नहीं रखा, ये पुराना ढिमकाना। और इसके बाद मैं इंटरेस्टेड, वो बोला कि तू मुझे पैसे भेज 2.5 लाख रुपए, तब के टाइम पे 2.5 लाख रुपीज, वो तो है। तो बहुत अमाउंट था तब के टाइम के लिए, एंड मेरे पास इतने पैसे थे नहीं। ऑफ कोर्स किसी के पास भी नहीं होता जब कोई नया नया जॉब शुरू करता है। तो फिर मैंने बोला कि भाई ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, मैं तो बोला कि लोन करवा। तो मैंने लोन एजेंट, मुझे मालूम नहीं, तो इनके पास एजेंट भी फटाफट रेडी रहते हैं ऑफ कोर्स, तो एजेंट भेजा उसने। तो एजेंट से बात किया मैंने, तो एजेंट भी काफी ट्राई कर रहा था, तो एजेंट वाज ए गुड पर्सन। वो एजेंट के साथ आज भी मेरा बातचीत होता है, मतलब वो रिलेशन ऐसा बन गया था। तो इसके बाद उन एजेंट ने क्या किया, उन्होंने काफी ट्राई किया लोन करवाने का, बिकॉज तब तक मैंने कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया था। तो क्रेडिट कार्ड नहीं लिया था, तो इसके वजह से मेरा जो क्रेडिट स्कोर था वो -1। तो हाँ -1 का मतलब हुआ कि नो क्रेडिट हिस्ट्री, मैंने कभी किसी जिंदगी में लोन ही नहीं लिया, कुछ क्रेडिट कार्ड भी यूज नहीं किया, लोन भी नहीं लिया। तो मेरा क्रेडिट हिस्ट्री जो था -1 में था। तो उसके बाद इन्होंने बहुत मुश्किल से लोन करवाया मेरा, और इंटरेस्ट भी अच्छा खासा चढ़ा था उसके वजह से, बिकॉज मेरा क्रेडिट हिस्ट्री नहीं था। तो फिर मेरा लोन हुआ, मैंने उसको पैसे भेजे। भेजने के बाद उसने, मैं बोला उसको, तभी पूछा कि भाई ये तो वो वाला नहीं है, बिकॉज मैं नेटवर्क मार्केटिंग पहले कर चुका था कॉलेज में, एंड दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज, आई मीन रिसेंटली सक्सेसफुल। में प्रॉब्लम क्या हुआ था, कंपनी भाग गई थी, कुछ एक बेकार सी कंपनी थी तो वो चली गई थी। तो ये चीज घटा, तो इसके लिए मैंने पूछा कि ये वैसा वाला तो नहीं है। तो उसने बोला नहीं भाई, ऐसा ये सब ऐसा कुछ नहीं है, तू दिमाग में बेकार का टेंशन ले रहा है। तो फिर मैंने, मुझे अपने आप ही ऐसे ही, मालूम नहीं, हवा से ही ऐसे ही डाउट होने लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लोचा, ये पता नहीं रहा है क्या है। बिकॉज मैं ऐसा हूँ कि मैं लोगों से पूछता हूँ, काफी इन डेप्थ चीजों को पूछता हूँ। मैं जब उसे पूछ रहा था, यहाँ वहां का एकदम क्लोज दोस्त है, वो मना भी नहीं कर सकता डायरेक्टली, फिर वो घुमा रहा है। और कई बार क्या हुआ, जब वो मैं उससे बात करता था, तो मुझे पता चलता था कि पीछे में कोई ना कोई है जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कुछ तो बोल रहा है। तो मुझे डाउट हुआ कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग में ही होता है, बिकॉज मैं ये कर चुका हूँ, एक कान में आप हेडफोन लगाओ, दूसरे कान में जो अपलाइन है वो आप हेडफोन लगा करके सुनता है क्या बातचीत चलता है, वो सब गाइड करता है। तो यहाँ पे ये लोग ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, और भी ट्रेन तरीके से करते हैं। तो बट स्टिल मुझे पता चल रहा था ये चीज, मैं उसको सवाल पूछ रहा था, वो बता नहीं रहा था। मैंने उसको बोला कि भाई तू फटाफट से मेरा मीटिंग करवा, क्या है नहीं है। वो मुझे बोल रहा था कि थोड़ा सा वेट कर, एक मीटिंग होगा तेरा, एक हमारा एक सेशन रहता है, एक्चुअली सिस्टम जो कि संडे को होता है, एंड वीसेल जो वेंसडे को होता है, उसकी बात कर रहा था। मैंने बोला कि भाई मुझे वो सेशन वेशन में नहीं आना, तेरा जो सीनियर है उनको, जो भी है तेरे, उनको बुला, उसके बाद अपन बैठते हैं, बैठ करके मैं समझता हूँ फिर क्या करना है नहीं करना है, मुझे लग रहा है वही है। तो बोला कि रुक, तू बेकार का टेंशन ले रहा है, मैं कराता हूँ मीटिंग। तो एक दो दिन बाद ही उसने मीटिंग को अरेंज किया। तो फिर जाके उस दिन मैं जब बैठा, तब मुझे पता चला इस कंपनी के क्रेडेंशियल के बारे में, और तब मुझे पहली बार पता चला इसका नाम क्या है। तो दिस इज हाउ आई केम टू नो, और मैं तो आसमान से गिरा कि भाई ये तो वही है। अच्छा, तो आपने पहले पैसे दे चुके, मतलब दे रखे थे मैं पहले पैसे ही। दे चुका था, और उसने ये अच्छा। भरोसा दिया था कि भैया अगर तुझे अच्छा नहीं लगता मैं पैसे वापस कर दूंगा। तो मैं उस भरोसे में दिया था, अपना ही दोस्त है, पैसे वापस कर देगा। तो मैं तो समझ गया, मतलब ये वही है। और तब तक इसने साइन अप भी कर दिया था, क्योंकि मेरे जो IR ID है उसने मुझे शेयर किया था, कि बोला था ये पासवर्ड है, तेरा अकाउंट खोल के ये लोग दिखाएंगे। तो इन लोगों ने खोल करके दिखाया भी था, मैंने अपना पोर्टल वगैरह देखा, मैं बोला भाई ये तो मतलब कि पैसे तो गए, बिकॉज मुझे भी मालूम था कि पैसे गए, मतलब ये तो कंपनी के पास गया, वापस नहीं आने वाला है।
दिस इज हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस। और बहुत ही खराब लगा तब, पहला पहला जो ये था ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसके बाद जो है वो बाद में हम लोग दर्शकों को रिवील करेंगे, बाद में कैसे चीजें नॉर्मल हुई, फिर मैं आगे बढ़ने लगा, फिर काम करने लगा, बट एट दैट मोमेंट मुझे बहुत ही बुरा लगा था। आई रियलाइज आई वॉज स्कैम्ड। रिटर्न पॉलिसी नहीं थी ना वो टाइम पे? उस टाइम पे रिटर्न पॉलिसी थी, बट क्या था कि ऑब्वियसली मुझे कंपनी के बारे में नाम ही पहली बार पता चला, तो मैं जब घर में गया मैं तो पहले गूगल किया, यूट्यूब किया, मैं तो नेगेटिव देख करके तो मैं तो आसमान में गिरा, आसमान से गिरा। क्योंकि तब क्या था, तब के टाइम पे क्यूनेट का नाम पहले गोल्ड क्वेस्ट था, गोल्ड क्वेस्ट नाम से लोग बिजनेस करते थे, तो उनका वो बिजनेस बंद हो गया था। तो तब अभी वाला जो डाउट है ये डाउट नहीं था, वो दूसरा डाउट था कि ये रहेगा ही नहीं, ये भी चला जाएगा किसी दिन। और गोल्ड कोस्ट में बहुत लोगों का पैसा डूबा था, मतलब जो लोग पैसे बनाए थे, जिन लोगों ने सच में काम किया था, उनके भी पैसे नहीं मिले थे हमको। तो ये स्कैम हुआ था उनके साथ, मुझे लगा कि फिर से वापस ये स्कैम होगा। और भर भर के लोगों ने कोरा वगैरह तब चलता था, तो 2014 में की बात है ये, 2015 के स्टार्टिंग की बात है ये। तो तब कोरा में लोग लिख रहे थे इसके बारे में भर भर के, तो मैंने देखा। और अपने एक पाजी है सिंह जी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अच्छा, जसप्रीत जी गुरप्रीत ऐसा कुछ, सिंह गुरप्रीत मुंबई के। हाँ सिंह जी, गुरप्रीत हाँ सिंह ने बहुत कुछ एक्टिविटी किया था उन्होंने हाँ इसके लिए। तो फिर वो सब दिख रहा था मुझे, तो मैं वो रिटर्न पॉलिसी है बोल के मैंने कुछ पता ही नहीं किया था, दिमाग में नहीं था। तो तब के टाइम पे रिटर्न पॉलिसी क्या था, इंडिया का अगर आप पोर्टल से परचेज करते हैं तो 30 डेज का रिटर्न पॉलिसी रहता है, और फॉरेन से करते हैं तो 7 डेज या 15 डेज ऐसा कुछ सेवन था, डेज 7 डेज का था। तो ये था। तो इसके बाद मुझे रिटर्न पॉलिसी के बारे में मालूम नहीं, और वो जो मेरा लड़का था, दोस्त था, वो मेरा मीटिंग कराते कराते ऑलवेज ऑलरेडी, मतलब आप पकड़ लीजिए 20 दिन चला गया था, तो 10 दिन ही था अप्रोक्सीमेटली। और मतलब कोई जब इस तरीके से हॉट साइन अप होता है, आप यकीन नहीं कर सकते उसके मेंटल मेंटल जो सिचुएशन रहता है उसका, तो वो ये सब सोचने नहीं जाता। कोई अगर वार्म जोन का साइन अप होता है या कोल्ड जोन का साइन अप होता है, फिर भी वो आदमी पता लगाता है इन चीजों के बारे में। मुझे तो लगा कि पहले कोई मेरे अपने एक दोस्त ने मुझे ऐसा ठग लिया, वो मेरे लिए ज्यादा दुख का मतलब की सिचुएशन था, रेदर देन कि पैसे चले गए रिटर्न लो। तो ये था हालत। तो अभी तो डोज कर रहा है क्यूनेट या नहीं, जिसने आपको नहीं, वो उसने भी छोड़ दिया? सिचुएशन क्या हुआ, हाँ तो उसने मुझे साइन अप कराया करने के बाद, और उसने भी 1-1.5 साल बाद क्यूनेट छोड़ दिया। और क्या हुआ था कि उसने दो लेग्स होते हैं, पहले तो आईआर जो रहता है उसका जो ट्रैकिंग सेंटर रहता है उसके नीचे एक लेफ्ट में एक राइट में ट्रैकिंग सेंटर रहता है, तो उसका जो सीनियर था उसने उसको एक नॉन फंक्शनल लेग पे साइन अप कराया था। अच्छा, तो उसको एक लेग उसको खुद को बनाना था, और दूसरा लेग भी उसको खुद को ही बनाना था। तो फिर उसने क्या किया, एक लेग पे मुझे साइन अप कर दिया, हाँ मेरी एक्टिविटीज चलती रही, मैंने टीम बनाया अपना, आगे बढ़ते रहे अपने। बट उसने उसको जो खुद को अपना लेग बढ़ाना था वो भी बढ़ा नहीं पा रहा था, बिकॉज हाँ उसका सीनियर भी उसको हेल्प नहीं कर रहा था, और मैं अपना लेग बढ़ा रहा था। तो उसका एक साइड तो ग्रो कर रहा था, बाकी साइड को जो बैलेंस करके सिर्फ उसको पैसे लेने हैं वो भी वो कर नहीं पा रहा था। तो उसके चलते पैसों की तंगी हुई। एक टाइम बाद लड़के ने डिसीजन लिया, जो कि मैं कहूंगा कि सही किया उसने, एट दैट मोमेंट डिसीजन लिया, और फिर उसने छोड़ दिया और कंप्लीटली कटअप हो गया। और बहुत ही अच्छा दोस्त था। उसके बाद मैंने मेरे जो वहां पे जो अपलाइन थी, मैं उनका नाम रिवील करूंगा धीरे धीरे, और फिर उन्होंने बताया कि नहीं इसके साथ तुम ये छोड़ दो, क्या कहते हैं, कनेक्शन छोड़ दो, बिकॉज ही इज इन अ डिफरेंट जोन। मैंने कहा अरे मेरा अपना दोस्त है, पैसे एक अलग जगह पे और दोस्ती अलग जगह पे, बट मैं उससे दोस्ती तोड़ दूं आप कह रहे हो? उसने बोला हाँ, इट्स बेटर बिकॉज इट्स बेटर फॉर योर बिजनेस। मैंने कहा अरे बिजनेस के लिए बेटर है, आप तो उसी ने जब मुझे लाया था, तो जब लाते हैं तो तब प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे बताया जाता है कि मिलके करेंगे साथ करेंगे, तो उसने साथ करेंगे मिलके करेंगे कहा था, आज के डेट में आप कह रहे हो कि उसी को छोड़ दूं मैं? तो वहां पे एक
मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, तो अजीब सा सिचुएशन, मुझे खुद को वहां पे अजीब लग रहा था कि ये क्या बोल रही है। तो वो एक लेडी थी, तो उसका नाम था नम्रता सिंह। अच्छा तो आज के डेट में नम्रता भी बिजनेस में नहीं है, उसका भी खत्म बिजनेस खत्म, और मेरा जो रेफरर है उसका भी बिजनेस खत्म। ठीक तो नम्रता के बारे में तो मैं धीरे धीरे रिवील करूंगा सब कुछ, उसका जो भी चिट्ठा है। है सब कुछ खोलूंगा। तो अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं स्वप्निल जी। आपने जो 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उसके अलावा और क्या एडिशनल एक्सपेंसेस जो विद टाइम आपको बेयर करने पड़े? चलिए एक काम करते हैं, मैं शुरू से शुरू करता हूँ। तो अभी आपको पता चल गया कि मैं यहाँ पे प्लान देख लिया, देखने के बाद में साइन अप हो चुका हूँ। तो अभी नेक्स्ट जर्नी शुरू करते हैं। आज का डिस्कशन इतना तक ही रखेंगे कि कैसे मैं साइन अप हुआ, फिर जो अगला जो ठीक सिलसिला है वो अगले दिन करेंगे। है, चलेगा। तो क्या हुआ कि मैंने प्लान देखा, प्लान में जब मैं बैठा, बैठने के टाइम सबसे पहले एक लड़का आया। लड़का आकर के एक जन लेडी के बारे में बहुत ही अच्छा अच्छा बोल रहा था। वो ओके, लेडी के उस लेडी का नाम था मिस आकांक्षा, आकांक्षा आकांक्षा, सिंह। हाँ, ओके आकांक्षा सिंह, आकांक्षा सिंह था ओके उसका नाम। तो आकांक्षा के बारे में बहुत ही अच्छा अच्छा बोल रहा था। तो लड़का बोलने के बाद, और लड़का खुद अच्छे खासे कॉलेज से पढ़ा हुआ था, और लड़का का नाम था नीलव बराई, तो कोलकाता सर्कल ओके में था वो। उसने ओके मुझे बताया, चलो ठीक है, लड़के ने अच्छा अच्छा बताया, चलो बट देखते मैडम ऐसी कौन है कि मतलब कि हाउ इतना बड़ा ये बातचीत कर रहा है, जरूर कोई दिग्गज होंगी जिनको अच्छा खासा नॉलेज होगा बिजनेस वर्ल्ड के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या होगा बातचीत, इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं। तो फिर वो मैडम आई, आकांक्षा सिंह, आकांक्षा, आई थिंक आकांक्षा गुप्ता नाम था, सिंह या गुप्ता है, आकांक्षा गुप्ता नाम था, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ टाइटल में, जो भी आकांक्षा ओके नाम हाँ था, गुप्ता था, कोलकाता सर्कल में वो थी। तो आकांक्षा ने क्या किया, वो आई बैठी, बैठने के बाद बातचीत शुरू हुआ। मैंने 2-3 सवाल बिजनेस के पूछे तो उनको नहीं मालूम, तो अच्छा मैं कॉन्फिडेंस एकदम धराशायी हो गया मेरा, मैं कॉन्फिडेंस लूज कर गया, मैं मुझे अच्छा ही नहीं लगा। तो मैं उस दिन, तो जिस दिन वो पहली बार मैं प्लान देखने बैठा था, तो मैं एकदम से निगेटिव होकर के मैं वहां से निकल गया। मैं बोला यार क्या यार, मतलब कि मेरा टाइम खराब कर दिए। एक रहता है ना कि वाइब वाइब अपना, जब हाँ आप कुछ वाइब कर बिजनेस करने का सोचते हैं, जब वाइब मैच करता है तभी अपन एक साथ काम करते हैं। सकते हैं, बराबर है, आज जो अपन बात कर रहे हैं, आपके साथ मेरा वाइब मैच हो रहा है, हम लोग बाद में साथ में बात कर डिस्कशन कर रहे रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं उनका भी वाइब अपने साथ मैच करेगा तो वो देखेंगे, हैं। वाइब राइट मैच नहीं करेगा वो नहीं देखेंगे। तो वो वाइब मैच ही नहीं किया मेरा उस लड़की के साथ। फिर मैं वहां से उठ के मतलब कि डिप्रेस्ड होकर के निकल के आ गया, और मैंने दोस्त को बोला तू मेरे पैसे वापस कर, कुछ भी कर, तू घर बेच क्या बेच मेरे को मालूम नहीं, पैसे वापस कर, मैं जाता हूँ। उस दिन मेरे को उन्होंने ये भी नहीं दिखाया था, पोर्टल भी नहीं दिखाया था, मैं घर चला गया। घर जाकर के पूरा निगेटिव जो है मैंने सब कुछ पढ़ा। पढ़ने ओके के हाँ बाद फिर इसने बोला कि भाई तू ऐसा मत कर, तू वापस से एक बार एक और मीटिंग में सेट करता हूँ, तू बैठ बैठ के अपन डिस्कशन करते हैं। तो फिर उसने एक और मीटिंग, मैं बोला कि भाई, उसने बोला कि दोस्ती के खातिर तू एक और मीटिंग पे बैठ, फिर मैं सेट करता हूँ। तो इस बार इसने क्या किया, इसने नम्रता को बुलाया, नम्रता के साथ मीटिंग सेट करवाया, और इनका उस दिन कुछ एक सेशन था, आई थिंक वो वी सेल होगा वेंसडे का, या फिर सिस्टम के बाद का, मे भी संडे का था उस दिन, एग्जैक्टली ओके याद नहीं है। हाँ तो उस दिन वो अपलाइन भी आई हुई थी, और कई सारे अपलाइंस दूसरे भी आए हुए थे। तो फिर मोस्टली वो संडे का दिन था, सिस्टम के बाद के, सिस्टम के शाम का था। तो मैं वो उस दिन गया जाके नम्रता के साथ, नम्रता का इंट्रोडक्शन फिर एक और जन ने आके कराया। करने के बाद इस बार भी मेरा दिमाग खराब हुआ, जो जो लड़का इंट्रोड्यूस करने आया था उसका नाम था अंकित पांडे, तो इसको बात भी करना नहीं आता, 2 वर्ड इंग्लिश का बोल नहीं सकता, क्या करेगा वो बिजनेस, और उसके साथ वाइब भी नहीं मैच कर रहा है, बैकग्राउंड भी मैच नहीं करता कुछ भी। तो उसके अच्छा बाद फिर नम्रता को उसने बुलाया, नम्रता से बातचीत किया मैंने, तो देन ऑल्सो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि क्या चल रहा है, मतलब कि ऐसे लोग क्या बिजनेस करेंगे, और जो इसने लंबे लंबे मतलब की बात किए पक्का फेंक रहा होगा, बिकॉज मार्केट के बारे में मेरे को ही मालूम है, उसके इतना पैसा ही नहीं होगा,
जो पहले आकांक्षा से मैं मिल चुका हूँ, और ये जो अंकित है उसके पास भी इतना कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज उससे महंगा फोन तो मैं भी यूज कर रहा था तब के टाइम पे, मैं आईफोन यूज कर रहा था तब के टाइम पे, नहीं आईफोन नहीं था बट कुछ दूसरा फोन था, बट महंगा फोन था। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई वो इतना लंबा लंबा बात कर रहे हैं, एक तो फोन नहीं है उसके पास अच्छा। तो उसके बाद नम्रता बैठी, देखा मैंने, ठीक है समझाया मेरे को, तो मैं बोला चलिए ठीक है, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं जा रहा हूँ। तो मैं निगेटिव था, मैं निकलता हूँ, फिर नम्रता ने बुलाया मुझे वापस, बोला कि एक डॉक्टर साहब से मिलो आप, आपको जो डिसाइड करना आप कर लेना, बट पैसे आपको जसमीत से अगर है तो लेना है तो आप बात कर लेना जसमीत से। मैंने बोला कि मेरे पैसे तो गए, आपको अच्छे से मालूम है। तो वो बोले कि डॉक्टर साहब से बात कर लो आप, फिर आप डिसाइड कर लेना। मैंने बोला चलिए ठीक है, ये भी देख लेते हैं क्या है। तो फिर डॉक्टर अपार मलिक ने मुझसे बात किया, मिस्टर अपार मलिक तो उस दिन आए हुए थे। तो डॉक्टर साहब अपना डॉक्टरी छोड़ करके, एमबीबीएस छोड़ करके ये सब कर रहे थे। तो बोले अपना उन्होंने स्टोरी, तो मुझे पहली बात तो अजीब सा लगा, आप डॉक्टर होकर के ये नेटवर्क मार्केटिंग में क्या जरूरत था कर रहे करने हैं। का, सिर्फ पैसे के लिए आप ये सब क्यों कर रहे हो। मेडिकल प्रोफेशन इज सर्विस ओरिएंटेड, आपको पैसा दिख रहा है वो आप मुझे बता रहे हो कि पैसे उतना नहीं मिलता था। अरे ठीक है जितना मिल रहा है वो तो काफी है, आपका नाम हो जाएगा, आप जी लोगे अपनी जिंदगी, तो आदमी लाइफ में ही कमाता है, उसके बाद जो रह जाता है वो नाम है। तो आप डॉक्टर हो, आपको सबसे ये करना चाहिए, मेरे दिमाग में यही घूम रहा था, हालांकि मैं कुछ पता नहीं रहा था। बट फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप ये करो, इसमें करो, देखिए आपका अगर नहीं होता है तो 1 साल बाद पैसे वापस ले लेना उस लड़के से। तो अच्छा, एक्सेल मैंने बाद। कहा इसको गारंटी कौन देता है, तो बोले कि वो देंगे गारंटी। तो उन्होंने बोला कि आपने मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग करके रखा हुआ है। उनको एक्चुअली देना तो नहीं था पैसा ऑफ कोर्स, बट उनको ये लग रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में करके रखा हुआ हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब सिस्टम में काम करने लगूंगा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाऊंगा। तो उस हिसाब से उन्होंने वो दान फेंका और उसमें मैं फंस गया, बता सकते हैं आप कुछ हद तक, कि मैं बोला कि चलिए ठीक है मैं देखता हूँ 1 साल करके, नहीं होता तो पैसे वापस लूंगा। और उसके बाद फिर रहता है कि पहले ही आप ट्रैकिंग जोन एक हॉट करो अपना, कुछ किसी को पेरेंट्स या कोई भी अगर अपना कोई है क्लोज गर्लफ्रेंड वगैरह किसी को आप डालो। मैंने बोला कि मेरा छोटा भाई है, मैं उसके लिए ठीक है 1.5 लाख का और लोन लेता हूँ। तो फिर मैंने 1.5 लाख का एक और लोन लिया और लेके फिर मैंने उसका साइन अप कराया। हाँ उससे पहले मैं दो साइन अप अपना, एक तो साइन अप एकदम पक्के से मैंने रेडी रखा था, दूसरा जो मेरे दोस्त को करवाना वाला था, जो मेरा एकदम क्लोज दोस्त था, अपने एक ही साथ रहते थे। तो फिर मैंने अपने छोटे भाई को साइन अप करवाया, कराने के बाद उसके नीचे मेरे दोस्त को डाल दिया। डालने के बाद ठीक है कुछ चेक्स बने और उसके बाद फिर कंसिक्यूटिव बाकी जो साइन अप से वो होते रहे। तो अभी वापस आ जाते थोड़ा सा, तो मैं अपार मालिक से मिल गया। मिलने के बाद नेक्स्ट दिन मुझे बुलाया गया वो सिस्टम में, संडे सिस्टम में। तो सिस्टम में मैं आया, आने के बाद सबसे पहले तो ठीक है मैं नया आदमी हूँ, आया सिस्टम से, हाँ सिस्टम में बैठा मैं। बैठने के बाद उनका वही मोटिवेशनल टॉक चालू, तो आई हैव बीन थ्रू दिस, तो मेरे को मालूम था, तो उतना कुछ मजा आ नहीं रहा था। तो इसके बाद मैं देखा कि क्या चल रहा है, कुछ लोग नाच रहे हैं कुछ पागलों के जैसे, कुछ गाना बजा और ये नाच रहे हैं, और मैं पहली बार आया हूँ और मैं अकेला मतलब कि खड़ा हूँ यहाँ पे और सभी लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कुछ चल रहा है। तो तब के टाइम पे थोड़ा सा चाय पिला जाता था, मॉर्निंग को ये लोग चाय पिलाते थे, चलिए चाय पिया। और इसके बाद अपना स्विच ऑन सेशन, जिसमें आपका स्विच ऑन सेशन से पहले एक और सेशन कुछ एक दिमाग से निकल गया, उसमें क्या होता है सबको जो लोग नए नए आए हैं उनको लेकर के एक प्लान को अच्छे से समझा जाता है। कुछ कुछ एक आपका ये है उसका नाम है पर्टिकुलर भूल रहा हूँ, तो उस प्लान को अच्छे से समझा जाता है आपको, ESBI जो क्वेश्चन है ये सब समझा जाता है। तो अच्छा, वो वो सेशन क्वाड्रेंट्स, रिच डैड पुअर डैड क्वाड्रेंट्स, वाले। ओके। करेक्ट करेक्ट, वो सब समझा जाता है। तो उसमें बैठा, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, एक जन थे मिस्टर सिद्धार्थ भाई, जो कि
हुआ सक्सेसफुल। तो मैं क्या किया था, मैं फेसबुक पे उनको देखा बाद में, सेशन सेशन खत्म होने के बाद, और दैट गाय वाज समवन हु इज मतलब गॉट सम पर्सनालिटी, जिसके साथ वो वाइब मैच कर रहा था। तो मुझे तब एक तरीके से दुख हुआ, एक तरीके से खुशी हुआ सेशन अटेंड करके कि चलिए ऐसे आदमी भी है यहाँ पे, और एक तरीके से दुख हुआ कि मैं समहाउ इनके नीचे साइन अप नहीं। ओके तो हाँ दैट वाज द हार्ट ब्रेकिंग थिंग कि मैं गलत टीम पे फंस गया हूँ। तो और फिर स्विच ऑन सेशन नम्रता ने लिया, तो उस दिन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मतलब पहली बार मैं गया कैफे में, गया भर भर के, एक ये था एक चाय का कैफे था, तो वहां पे हम लोग सभी बैठे थे एक साथ, तो भर भर के लोग बैठे थे उसमें कैफे में, और गिने चुने लोग ही कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रहे थे। मैं तो वहां पे बैठा, बैठते ही कुछ ना कुछ मैंने ऑर्डर किया खुद के लिए, और ये मैं पीने लगा अपना जो शेक था। और उसके बाद देख रहा हूँ जो जो पहले जो बात सुना जो मिस्टर अंकित अंकित पांडे, तो जो फ्यूचर में जाकर के वांटेड भी हो गया था एक टाइम पे, तो ओह माय गॉड, अंकित पांडे ओके उसको उसके उसके पास देख रहा हूँ कि 2 कोड़ी के पैसे नहीं है कि वो यहाँ से मतलब कि ड्रिंक लेकर के पी सके। हाँ अच्छा और उसके बारे में इतने इतने बड़े 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 चर्चे हो रहे थे कि इतने बड़े अप्लाई इतने कमाते हैं, एक कपड़ा भी ढंग का नहीं है, और वहां से ड्रिंक लेकर के भी पी नहीं पा रहा है। तो ये था सिचुएशन। तो इसके बाद मैं वहीं पे मिला जुला बाकी एक दो जो नए लड़के थे उनके साथ भी बातचीत किया, तो सभी लोग मेरे जैसे मतलब अचंभे में थे, पजल्ड सिचुएशन में थे कि क्या चल रहा है भाई, मतलब कि मजा ही नहीं आ रहा है, क्या है। तो ये था सिचुएशन। तो दिस इज हाउ वाज द फर्स्ट इम्प्रेशन। और उसके बाद मैं फिर गया घर में, मुझे वो किताब पकड़ा दिए गए जो कि मेरे पास यहाँ पे लिस्ट ही है आपका, इसमें था आपका बिजनेस स्कूल रॉबर्ट टी कियोसाकी का। हाँ, अच्छा ये मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, कॉपीकैट मार्केटिंग, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का एकदम नॉर्मल किताब है, कोई पढ़ता ही है। क्वेश्चंस आर द आंसर्स, ये एक और नया किताब, टॉक द टॉक, ये भी एक एमएलएम का ही किताब है, अच्छा पैराबल ऑफ पाइपलाइन। पैराबल ऑफ पाइपलाइन एक वही इट्स काइंड ऑफ क्रिएटिंग ए सिस्टम, तो उस तरीके का किताब है जहाँ पे आपको बताया जाता है कि एक बिजनेस को एज ए सिस्टम बनाना चाहिए। हाँ हाँ तो ये हाँ समहाउ इट्स ए बिजनेस बुक जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का भी कुछ ना कुछ है। तो ये सब बुक्स में मुझे इन्होंने सॉफ्ट कॉपीज भेजी, सॉफ्ट कॉपीज नहीं हार्ड कॉपीज भेजी तब के टाइम पे, तो मैंने खरीदे थे, उसके लिए पैसे भी दिए थे। तो उसमें अच्छा भी ये बुक्स जो थे ये मुझे लेने थे, आकांक्षा से लेने थे, आकांक्षा से मुझे बुक्स, आकांक्षा ने मुझे बुक्स तो दिए थे, बट जो पैसे थे वो अंकित को देने थे, और कुछ पैसे ज्यादा दे दिए थे मैंने, वो पैसे वापस भी नहीं किए इसने। तो मैं देखा ओके कि व्हाट नॉनसेंस, मतलब किसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो ये मुझे खराब लगा तब के टाइम पे। फिर मैंने नम्रता से ये चीज बोला कि भी आपने कहाँ पे साइन अप करा दिया, किस लोग के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और क्या चल रहा है, मतलब कि मेरा वो साथ में जो बोल रहा था साथ में करेंगे मिलके करेंगे, वो किधर है, मेरा जो दोस्त इसने मुझे डाला। फिर बाद में नम्रता ने बताया कि आप यहाँ पे साइंड अप नहीं हो, आप पैरेलल दूसरे टीम पे साइंड अप हो, आपका जो अपलाइन है वो जसमीत ही है। और फिर मैंने एक दिन बैठ करके जसमीत को फोन मिलाया, मिला करके मैं फिर उससे देखा उसका ट्रैकिंग सेंटर क्या कैसा क्या है। तो मैं जब देखा फिर वहां पे फिर से डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि मुझे ऐसे लेग पे साइन अप कराए थे जहाँ पे मुझे ही मैनेज करना है, कोई कॉमन लेग नहीं है जहाँ पे मेरा अपलाइन कुछ डाले तो वहां पे कोई ना कोई ऐड हो, या तो मुझे साइन अप करना है, या अगर वो कुछ हेल्प करना चाहे तो उसको मतलब जो चेन ऑफ एक जो कॉमन चेन दूसरे ऑफ लेख पे करना पड़ेगा उसको। उसमें मैं नहीं हूं, तो कुछ ना कुछ अगर ये जसमीत करता है तब होगा। ओके तो ये चीज हुआ, तो दिस इज हाउ इट वाज। तो फिर उस वो मेरे लिए दूसरा एक और शॉक था। तो इट वाज ए सीरीज ऑफ शॉक्स जो कि हुए। अच्छा इसके बाद फिर अगले सीरीज में हम लोग रिवील करेंगे कि किस तरीके से मैं फिर उस शॉक से उभरा, और फिर कैसे हम लोगों ने पहला जो जर्नी था, जो जो सीरीज ऑफ थोड़े से साइन अप्स हुए मेरे, और जो सक्सेस धीरे धीरे मिला तो वो किस तरीके से मिला, वो हम लोग रिवील मिला करेंगे। जरूर। ठीक है, जी तो संध्या जी, हाँ
आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट में और चीज़ें जानेंगे कि आपने कैसे साइनअप्स किए, क्या स्ट्रेटजीज बोली गई, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स भी जानने हैं नेक्स्ट मीटिंग में। जैसे वो आपने बोला डांस होता है वो मीटिंग में, शायद चिकन डांस नाम है उसका। प्योर चिकन डांस होता है, कई सारे पहले तो गाने बजते हैं फिर उसमें डांस हाँ होता है, तो उसकी रिगार्डिंग हाँ अपने बातचीत करेंगे। तो वो कब काम करता है, किस जोन पे आप जब होते हैं तब आपको ये अच्छा लगता है, और जो नया नया आता है हाँ उसके लिए वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं रहता। तो ओके, अगले मीटिंग पे वो जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं उनको लेकर के बात करेंगे हम सुपर जी। हाँ उस पे बात करेंगे। और भी मुझे मोस्टली वो साइकोलॉजी जानना है जो ब्रेन वॉश वॉशिंग होता है, क्योंकि मैंने करेक्ट, काफ़ी लोगों को अप्रोच किया पर्सनली इंस्टा पे, उनको कोशिश की समझाने की कि वो फंस चुके हैं, अभी नहीं समझ में आएगा। एटलीस्ट चलो आपका पैसा लग गया है, अभी उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते हो। एक बार पैसा भूल जाओ, टाइम इंपॉर्टेंट है, आप कमा लोगे उससे ज़्यादा। मैंने कोशिश किया लोगों को समझाने की, पर वो लेवल का जो ब्रेन वॉशिंग हुआ है, मैं मुझे लिटरली, मैं ये शेयर करूंगा, अभी ये बात बोल रहा हूँ तो मैं वो स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा यहाँ पे इंस्टा का। मैंने किसी को बोला था तो मुझे ऐसा बोला गया कि जस्ट बिकॉज किसी और से नहीं हुआ तो इसका मीनिंग ये नहीं कि मेरे से नहीं होगा, मुझे भी चेक्स मिल रहे हैं तो कपिल ऐसे। जी, हाँ यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, हाँ पहले तो जो ब्रेन वॉशिंग होता है ये लोग करते हैं, ऑब्वियसली अच्छे से इसको आप अच्छे भाषा में बोलेंगे तो ट्रेनिंग, और अपने देसी भाषा में इट्स ए ब्रेन वॉश, काइंड ऑफ ब्रेन वॉश, पक्का ब्रेन वॉश है, टेक्निक को ब्रेन वॉश है। अपने अलकायदा में जब ओसामा जब रिक्रूटमेंट करता था, या ISIS जैसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिक्रूटमेंट करते थे, तो ये लोग भी इसी तरीके से ब्रेन वॉश देते थे। ब्रेन वॉश करते हैं। कोई ना कोई जाकर के वहां पे तो फटता था। हाँ तो दिस वाज द थिंग। तो 100 में से आपको 10 तो मिल ही जाएंगे ऐसे गुर्गे जो कि रहेंगे इसमें एकदम पकड़ के, कुछ भी राइट करेंगे। तो राइट सिस्टम ऑफ ब्रेन वॉशिंग इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो काइंड ऑफ लोग है जो कि छोड़ते नहीं है और लगे रहते हैं। एक हो गया जो कि समहाउ इतना कुछ डिफिकल्टीज के बीच में भी अगर कोई एक किसी अच्छे टीम पे साइन अप हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था वो सिद्धार्थ पाई, जिनको देख करके मेरा वो वाइब मैच किया था। फॉर हाँ एग्जाम्पल, मैं अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं उनके अंडर साइन अप होता, अपने एक साथ काम करते, मेरे साथ जितने भी दोस्त थे उनका वाइब भी इनके साथ मैच करता, बिकॉज ही वॉज समबडी वॉज मेकिंग गुड मनी, एट द सेम टाइम ही हैड दैट पर्सनैलिटी जो कि उस जो उनका जो जो प्रोफेशन है या फिर उनका जो इनकम है उसको जस्टिफाई करता है या उनके साथ मैच करता है। लोगों को देख करके अच्छा लगता है ऐसे लोगों के साथ काम करना। तो वैसा जिसके साथ हुआ होगा उसको चेक्स मिल रहे होंगे, दैट पर्सन मस्ट हैव बीन सेटिस्फाइड बिकॉज समहाउ ही इज गाइडेड बाय ए राइट गुरु इन ए रॉन्ग काइंड ऑफ ए बिजनेस। तो वैसा आदमी एकदम लगा रहेगा उसमें। दूसरा जो अच्छा हो गया, दूसरा हो गया ऐसा आदमी जो आज के डेट में देखिए कोविड सिचुएशन गया है, कोविड से पहले जॉब मार्केट तो हमेशा ही अलग-अलग सेक्टर्स में चैलेंजिंग रहता है इनिशियल फेज में। जो लड़के रहते हैं 20 मतलब 20s, लेट 20s एंड अर्ली 30s में, तो उनका करियर जो रहता है थोड़ा सा शेकी करियर रहता है, जहां पे आपको बहुत चीजें सीखनी पड़ती है, आपको उस हिसाब से पैसे नहीं मिलते। तो ऐसे लोग इजीली वल्नरेबल रहते हाँ, हैं, इजी बिजनेस में टारगेट फंसते है। हैं, इजी टारगेट बन जाते हैं। तो वो जब फंसते हैं उनके पास उतने पैसे नहीं रहते कि वो अपना लोन जो है मतलब जो जो अमाउंट है उसको क्यूनेट का वो दे पाए, लोन लेते हैं, लोन के चक्कर में फंसते हैं, वो उससे निकलने के लिए यहाँ पे लगे रहते हैं। फिर उनके पास साइन अप होता रहता है कुछ ना कुछ, मतलब कि या तो साइन अप नहीं होता, फिर उनका जो खर्चा है वो बढ़ता रहता है, और फिर वो अपने जो हॉट्स किए हुए रहते हैं पहले जो अपने पेरेंट्स को साइन अप करा दिया या भाई को साइन अप करा दिया, उनके चक्कर में उनका लोन उनके कैपेसिटी से एक्सपोनेंशियली हाई हो जाता है। तो उस उनमें अच्छा वो क्षमता नहीं रहती कि वो उसको कैरी कर पाए, इसके लिए उनके पास ऑप्शन नहीं रहता कि ना इसको छोड़ पाए ना इससे बाहर निकल के कुछ दूसरा सोच पाए हाँ, ना नहीं इसको कर कर पाए, पाए सही से। तो वो सही यहाँ बात। पे लगे रहते हैं अंटिल बैंकरप्सी, और कई टाइम में तो हम लोगों ने देखा है कि
सीवियर सिचुएशन भी हो गया, कई लोगों का डेथ भी हो गया। मतलब ओके एक हाँ मेरे जो सीनियर, जो मेरा जो दोस्त है जो बिजनेस में सीनियर इन द सेंस, बाकी तो अपने बैचमेट है, उसने भी एक जन को साइन अप किया था, तो दैट गाई अल्टीमेटली एक्सपायर्ड। तो इन चीजों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट सीरीज चलेगा, ठीक है, जी सर, थैंक यू जी फॉर सर, योर टाइम। हाँ, हम सो मच जल्दी सो मच नेक्स्ट जी। पार्ट के साथ आएंगे।